सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में आज के वेबिनार में हम सीखने वाले हैं इंट्रा डे ऑप्शन के बारे में दिस वेबिनार एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन कंटेंट हियर इन इज फॉर एजुकेशनल ओनली एंड शुड नॉट बी पर्पज इसमेंट एडवाइस स्ट्री ए आई टेक्नोलॉजीज डज नॉट प्रोवाइड एनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो आइए आगे, आगे चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और हमें इसे क्यों सीखना चाहिए उसके बाद हम शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटजी के बारे में सीखेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल का पे ऑफ डाइग्राम समझेंगे इंपॉर्टेंट ग्रीक्स के बारे में सीखेंगे जो मैटर करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटजी के लिए दो स्ट्रैटी एग्जाम्पल्स देखेंगे उन्हें बनाएंगे और पास डेटा पे बैक टेस्ट करके उनका परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे पास डेटा पे दो स्कैनर एग्जाम्पल्स बनाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल ट्रेड कर रहे हैं और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और हमें उसके बारे में क्यों सीखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है क्योंकि हम सारे पोजिशन जो है सेम डे पे मार्केट क्लोज होने से पहले क्लोज कर देते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो इतना ज़्यादा छोटा है कि उसमें फंडामेंटल्स कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट रखते नहीं हैं स्टॉप लॉसेस जो होते हैं आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में वो छोटे होते हैं बट आपके टारगेट भी ऑब्वियसली थोड़े छोटे होते हैं कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग बट आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अच्छा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रैटी कैपिटल जो है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा टाइम तक ब्लॉक नहीं रहता है तो आप सेम कैपिटल से मल्टीपल स्ट्रैटेजीज भी काफी बार ट्रेड कर सकते हैं आपके जो डिसीजनस लेते हैं आप जो इंटर ट्रेडिंग में या फिर स्ट्रैटजीज जो एग्जीक्यूट करते हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाता है तो ये स्पेशली बहुत हेल्पफुल होता है जब आप सीख रहे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्योंकि आपको जल्दी जल्दी अपने स्ट्रैटी के रिज़ल्ट लाइव मार्केट में दिख जाते हैं बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए जब आप लर्न कर रहे हैं तो आपका पोजिशन साइज जो है बहुत ही बहुत ही छोटा होना चाहिए क्योंकि अगर आप अगर लॉसेज भी करते हैं तो आपके साइकोलॉजी और इमोशंस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए आइए शॉर्ट स्ट्रैडल का पे ऑफ डाइग्राम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटजी है इसमें हम क्या करते हैं कि एट द मनी कॉल और पुट को सेल कर देते हैं इक्वल प्रपोर्शन में यानी कि अगर आपने एक पुट ऑप्शन सेल किया तो उसके साथ साथ एक कॉल ऑप्शन एट द मनी सेल करते हैं बहुत ही सिंपल है एग्जीक्यूशन में लोअर ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है आपका स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम अब यहां पे दोनों हम ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं यानी कि आप प्रीमियम कलेक्ट करते हैं दोनों को सेल करके इसीलिए नेट प्रीमियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है हम कलेक्ट करते हैं सेलर्स ठीक है लोअर ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम अपर ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम ठीक है यहां पे एक्स एक्सिस में स्ट्राइक प्राइजेस है ठीक है ये स्ट्राइक प्राइस है वाई एक्सिस में यहां पे हम पीएनएल दिखा रहे हैं मैक्स प्रॉफिट जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल होता है जो यहां पे ये है ये पॉइंट वो होता है प्रीमियम रिसीव यानी कि टोटल प्रीमियम जो आप रिसीव करते हैं वो आप रख सकते हैं अगर जो अंडरलाइंग है वो एग्जैक्टली exactly वहीं पे एक्सपायर हो जाए तो मैक्स लॉस ह्यूज ऑन डाउन साइड अनलिमिटेड ऑन दी अपसाइड ठीक है इंपैक्ट ऑफ टाइम एंड इंप्लाइड वोलाटिलिटी ऑन शॉर्ट ट्रेडल तो इस डायग्राम से हम समझेंगे कि टाइम और इंप्लाइड वोलेटिलिटी का क्या इंपैक्ट होता है इस स्ट्रेटजी पर जैसे जैसे टाइम पास होता है इस स्ट्रेटजी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करता है ये एरो से मैंने वो चीज यहां पे दिखाई हुई है और सिमिलरली जैसे जैसे इंप्लाइड वोलेटिलिटी डिक्रीज होता है वैसे वैसे इस स्ट्रैटजी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है सेम वे सेम चीज ठीक है ये दोनों चीज तब काम करती है जब अंडरलाइंग स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है यानी कि अगर हम ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अंडरलाइन स्टॉक या फिर इंडेक्स में ज्यादा मूवमेंट ना हो साइडवेज रहे मार्केट ठीक है अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट आया तो लॉस होने के चांसेस रहते हैं आगे चल के हम प्रॉपरली स्ट्रेटजी बना के उसे पास डेटा पे बैक टेस्ट करके भी चेक करने वाले हैं ठीक है वेरी इजी आप आई होप आप ये इस चीज को समझ चुके हैं अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए मैं जरूर आपके डाउट सॉल्व करूंगा या फिर हमारे ई मेल आई डी सपोर्ट एट द रेट स्ट्रीक डॉट डेग पे भी आप लिख के बता सकते हैं इंपॉर्टेंट ग्रीक्स फॉर इंट्राडे शॉर्ट राडल तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक्स है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जो डेल्टा होता है डेल्टा रिमेन्स क्लोज टू जीरो वेन द अंडरलाइंग इज क्लोज टू द स्ट्राइक प्राइज यानी कि जब प्राइज आपका जो स्टॉक है उसका जो प्राइज है अगर आपके स्ट्राइक प्राइज के आसपास रहता है तो आपका जो डेल्टा है वो जीरो रहता है यानी कि स्ट्रैटी जो है डेल्टा न्यूट्रल रहती है वेगा वेगा जो है आपका नेगेटिव है ठीक है इसीलिए अगर आई वी इंप्लाइड वोलाटिलिटी इंक्रीज होता है वो हम नहीं चाहते हैं स्ट्रैटी में थीटा जो है वह आपका पॉजिटिव होता है यानी कि टाइम के पास होने के साथ साथ हमें बेनिफिट होता है ठीक है। अगर स्टॉक बहुत ज्यादा मूव कर जाता है तो इन ग्रीक्स में कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके इनको जरूर ध्यान से पढ़ लें अगर आपको कोई डाउट आता है तो अगेन कमेंट्स में लिख के बताइए मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा स्ट्रेटजी एग्जाम्पल वन अब हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और इस स्ट्राटेजी को प्रैक्टिकली बनाकर चेक करेंगे ठीक है अगर आप इसे इस स्ट्रैटजी को डायरेक्टली अपने डिवाइस पे देखना चाहते हैं तो इस लिंक को ओपन कर लीजिए बी आई टी डॉट एल वाई स्लैश शॉर्ट स्ट्रैडल डैश वन या फिर आप अपने मोबाइल के कैमरा ऐप से इस क्यू आर कोड को स्कैन कर सकते हैं उससे भी आप ओपन कर सकते हैं बट मैं प्रिफर करूंगा अगर आप मेरे साथ साथ इस स्ट्रैटी को स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चल के बनाए तो बेहतर होगा क्योंकि आप समझ भी पाएंगे सीख भी पाएंगे कि इस स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली exactly कैसे बनाते हैं और कैसे उन्हें पास डेटा पे चेक किया जाता है कैसे पेपर ट्रेडिंग किया जाता है कैसे लाइव ट्रेडिंग किया जाता है तो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पर चलते हैं स्ट्रीक को ओपन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को ओपन कर लेंगे स्ट्रीक डॉट टेक एस टी आर ए के डॉट टी ई सी एच उसके बाद हम यहां पे क्लिक करेंगे स्ट्रैटीज पे ठीक है फिर हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे इसको एक नाम दे देते हैं एस एस एग्जाम्पल वन आप अपने हिसाब से कोई भी नाम इसे दे सकते हैं क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा आइए अब स्ट्राइक प्राइजेस ऐड कर लेते हैं हमें एट द मनी निफ्टी पे बनाना है ठीक है तो मैं यहां पे निफ्टी टाइप करूंगा अब हमें निफ्टी इंडेक्स पे नहीं बनाना है हमें निफ्टी ऑप्शंस पे बनाना है स्वाट जी इसीलिए हम यहां पे क्लिक करेंगे जहां कह रहा है ये ऐड डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लिक करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट टाइप कॉल ऑप्शन स्ट्राइक ऑफसेट फ्रॉम एट द मनी यानी कि अगर हम यहां जीरो रखते हैं तो हमारा एट द मनी ट्रेड होगा माइनस वन रखते हैं तो एक स्ट्राइक नीचे एट द मनी के वो वाला स्ट्राइक ट्रेड होगा अगर आप टू रखते हैं या फिर फोर रखते हैं तो फोर स्ट्राइक अबव एट द मनी बट हम एट द मनी पे ये शॉर्ट स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम यहां पे जीरो रखेंगे एक्सपायरी में करंट एक्सपायरी वीकली ऑप्शन पे हम ट्रेड करेंगे इसे और इसे हम शॉर्ट करना चाहते हैं ठीक है एड कर लेते हैं अब पुट ऑप्शन कॉल के साथ साथ हमें एट द मनी पुट को भी शॉर्ट करना है एड इस बार हम पुट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जीरो यानी कि एट द मनी करंट एक्सपायरी वीकली शॉर्ट अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे यह बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एंटर करने वाले हैं और मार्केट क्लोज होने तक इसको होल्ड करने वाले हैं साथ साथ एक स्टॉप लॉस भी हम रखने वाले हैं क्वांटिटी मैं यहाँ पे टेन लॉट्स का ले लेता हूं वन आवर यहां मैं रखने रहने दूंगा यहां पे मैं सेल सिलेक्ट कर लेता हूं यहां पे मैटर नहीं करता आप बाय या सेल सिलेक्ट करें बिकॉज हमने यहाँ पे डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि हम इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पर बाय रखें या सेल रखें वो शॉर्ट ही होने वाला है बट सिंस ये सेलिंग स्ट्राटेजी है ऑप्शन सेलिंग स्ट्राटजी है तो मैं यहां पर सेल सिलेक्ट करके रखता हूं ठीक है अब यहां पे हम अपना कंडीशन बना लेते हैं कि कब हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहां पे मैं एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा जिसे कहते हैं कैंडल टाइम ठीक है कैंडल टाइम आवर ऑफ द कैंडल डन पे क्लिक करेंगे इक्वल टू नंबर 12 यानी कि 12 बजे वाला आवरली कैंडल जब भी क्लोज हो कब क्लोज होगा 12 बजे टाइम वाला जो आवरली कैंडल है 12:15 पे ओपन होगा 12 बजे वाला आवरली कैंडल और 1:15 पे क्लोज होगा यानी कि 1:15 पे हम इस शॉर्ट स्ट्रैडल को रोज़ एग्जीक्यूट कर रहे हैं ठीक है 115 जैसे ही होगा हम इस स्ट्रैटजी में एंटर कर रहे हैं क्यों 115? बिकॉज मैंने देखा है कि लेटर हाफ ऑफ द डे में यानी कि एक बजे के बाद मार्केट uh, क्लोज होने तक थीटा डीके जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है इसीलिए हम 115 पे यहां यहाँ हम इस स्ट्रैटजी में एंटर कर रहे हैं ताकि हमें थीटा डीके का बेनिफिट मिले ओके स्टॉप लॉस मैं यहां पे 20 परसेंट रखूंगा यानी कि जो भी लॉस मेकिंग लेग है अगर उसमें 20 परसेंट लॉस हो जाता है तो हम एग्जिट कर देंगे उस पोजीशन को या फिर उस लेग को दूसरे लेग को हम कैरी करेंगे ठीक है तो इसमें क्या होगा जिन जिस दिन मार्केट एकदम साइडवेज रह रहा है 115 के बाद उस दिन तो हमारा दोनों लेग्स ओपन रहेंगे दोनों में थीटा डीके होगा और हमें बेनिफिट होगा ठीक है बट अगर एक शार्प मूव आता है शार्प मूवमेंट तो एक लेग में लॉस होगा एक लेग में हमें प्रॉफिट होने होने लगेगा ठीक है तो जिसमें लॉस हो रहा है जिस वाले में भी उसको हम 20 परसेंट लॉस पे निकाल दे रहे हैं और जिसमें भी प्रॉफिट हो रहा है उसको हम होल्ड करके रख रहे हैं आगे जाने दे रहे हैं क्योंकि अगर ट्रेंड डेवलप होता है एक वन के बाद तो बहुत चांसेस है कि थ्री तक वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा ठीक है अग, अगर उसमें भी 20% लॉस हो जाता है तो हम उस उस लेग को भी एग्जिट कर देंगे ये बहुत ही कम बार होता है कि दोनों ही लेग में 20-20 जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए वो कब होगा जब शार्प मूवमेंट दोनों साइड पे आ गया ऊपर ऐसे मार्केट गया गया नीचे आ गया। या फिर नीचे मार्केट आया और तुरंत ही ऊपर चला गया ऐसे तो उन केसेज में दोनों स्टॉप लॉसेज हिट हो सकते हैं ठीक है यहां पर हम एक बड़ा टारगेट रख देंगे ट्रिपल नाइन परसेंट क्योंकि टारगेट हमें कुछ रखना नहीं है परसेंटेज बेस्ड हम चाहते हैं कि इसको जो भी हमने पोजीशन लिया है उसे मार्केट क्लोज होने तक होल्ड करें ऑल राइट पैरामीटर्स यहां पे मैं क्लिक करके कुछ चेक uh, कर लेता हूं सारी चीजें सही है कि नहीं एम आई ए स्ट्रैटजी है कैंडल स्टिक ठीक है डेली स्ट्रैटजी साइकिल एक ही एक ही ट्रेड लेना है तो मैं इसे वन सिलेक्ट कर लेता हूं यहां पे एक से ज्यादा ट्रेड हमें नहीं लेना है ऑल राइट सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे हम अब क्लिक कर सकते हैं हमारा स्ट्रैटी जो है अब रन होने लगा है हमें बैकटेस्ट रिजल्ट यहाँ पे तुरंत देखने के लिए मिल जाएगा तो बैकटेस्ट जब तक यहाँ पे चल रहा है मैं बाकी ऑप्शनस भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या क्या है सो so, यहाँ पे क्वांटिटी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं uh, हमने यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स भी डाले हुए हैं पोजिशन साइजिंग मेथड्स यहाँ पे आप अपने एंट्री और एग्जिट कंडीशंस को चेक कर सकते हैं जो भी आपने बनाए हुए हैं ठीक है यहाँ पे चार्ट टाइप आपका और कैंडल इंटरवल अगर आप अलग अलग कैंडल इंटरवल पे इस स्ट्रैटजी को टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्ट्रेटजी जो है लास्ट वन ईयर डेटा पे रन हो रहा है अगर आप चाहें तो इसके भी पहले आप रन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं 2022 में कैसा परफॉर्मेंस था का वो मैं देखना चाहता हूं तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली यहां पे जाके बैक टेस्ट पैरामीटर्स में आप सिंपली बैक टेस्ट स्टार्ट और बैक टेस्ट डेट को यहां पे चेंज करके अलग अलग पीरियड्स में आप स्ट्रेटी uh, का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं तो एक लेग like का हमें रिजल्ट यहां पे देखने के लिए मिल गया है जो भी पुट ऑप्शन था कॉल वाले का भी रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कुछ ही समय में तब तक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप स्ट्रैटी को रीड करना चाहते हैं कि आपने क्या स्ट्रैटजी बनाया है सही से बनाया है या नहीं यहाँ पे आप कर सकते हैं अगर आप और स्टॉक्स या फिर और इसमें लेग्स ऐड करना चाहते हैं स्ट्रैटी में सपोज आपने स्टॉक्स पे कुछ स्ट्रैटजी बनाया है और उस पर और भी लेग्स आप ऐड करके देखना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं सो so, यहां पे हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल गया है जैसा कि आप देख रहे हैं इस पीरियड में लास्ट वन ईयर पीरियड में फाइव लैख सेवेंटी टू थाउजेंड ठीक है इतना आ, इसने स्ट्रेटजी इस ने बनाया है बट लॉट साइज जो है हमारा टेन लॉट था ठीक है एक लॉट पर अगर आप निफ्टी पे स्ट्रेटी एग्जीक्यूट करते हैं तो अराउंड वन लैख का आ, आपको मार्जिन लगता है सो टेन लॉट पे अराउंड टेन लैख का मार्जिन सो टेन लैख कैपिटल के साथ एक साल में फाइव लैख सेवेंटी टू थाउजेंड यह स्ट्रैटी रिटर्न दे रहा है यानी कि अराउंड क्लोज टू सिक्स परसेंट सिक्सटी परसेंट राइट तो जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न में मानूंगा अब आपका टास्क यह रहेगा कि आप अलग अलग पीरियड्स पे यहां पर दूसरे पीरियड पे 2022 में या फिर कोई भी अपने पसंद के पीरियड पे इसे जाके आप चेक करें हमारे पास एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गए हैं ऑप्शंस के उनका भी डेटा अवेलेबल है मार्च 2020 से लेकर के अब तक आप सारे पीरियड्स में बैक टेस्ट कर सकते हैं तो आप जरूर इसको बना के स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे दूसरे पीरियड्स में भी बैक टेस्ट करने का ट्राई कीजिए अलग अलग टाइम पे एंट्री एग्जिट करने का भी आप ट्राई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को भी चेंज करके आप इसमें वेरिएशन लाके आप देख सकते हैं कि आप इस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं अब अगर आप इस स्ट्रैटजी को पेपर ट्रेड करके देखना चाहते हैं तो उस केस में आप यहां पे दोनों लेग्स को सिलेक्ट करके डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके यहां पे टर्म्स को एक्सेप्ट करके पेपर ट्रेड सिलेक्ट करके यहाँ पे पेपर ट्रेड पे क्लिक करके इसे पेपर ट्रेड में डिप्लॉय भी कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे अब क्लिक करूँ सी डिप्लॉयड स्ट्रैटजीज तो यहाँ पे मुझे सारे अपने डिप्लॉयड स्ट्रैटजीज दिख जाएंगे पेपर ट्रेडिंग में जाने के लिए सो तो ये पेपर ट्रेड वाले मेरे सारे वेटिंग स्ट्रैटजी है ये वेट कर रहे हैं अपने एंट्री का अगर मैं एंटर्ड में जाऊँ तो मुझे जो भी एंटर हो चुके हैं स्ट्रैटीज़ जो भी लाइव ट्रेड चल रहा है जिसमें पेपर ट्रेडिंग वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा बेसिकली अगर आप सारे ट्रेड्स चेक करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके व्यू ऑर्डर लॉग पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सारे जो भी ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा सो so, ये स्ट्रैटजी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने जुलाई 2021 से ही लगा के रखा हुआ है और ये अपने आप ही ट्रेड्स लेता जा रहा है और मैं रोज आके इसका परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूँ यहाँ पे ठीक है अपने लाइव स्ट्रैटजीज देखने के लिए आप यहाँ पर लाइव ट्रेड्स पर भी क्लिक करके वहाँ पर अपने लाइव ट्रेड्स भी यहाँ पर देख सकते हैं तो ये सारी जो स्ट्रैटजीज हैं वो लाइव डिप्लॉयड हैं सो आई होप आप इस स्ट्रैटजी को समझ चुके हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा आइए नेक्स्ट स्ट्रैटी की तरफ चलते हैं स्ट्रैटी एग्जाम्पल टू अब हमने एक टाइम बेस्ड एंट्री वाला देख लिया है स्ट्रैटी इसमें हम इंडिकेटर बेस्ड एंट्री लेने वाले हैं यानी कि आर इंडिकेटर का यूज करके हम एंट्री लेने वाले हैं इस स्ट्रैटी में पहली स्ट्रैटी हमने बनाई थी निफ्टी पे ये वाली स्ट्रैटी हम बैंक निफ्टी पे बनाने वाले हैं सो आइए अगेन हम फिर से चलेंगे प्लेटफॉर्म पे अगर आप ओपन करना चाहते हैं स्ट्रैटी को लिंक को ओपन कर सकते हैं या फिर क्यू आर कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने फोन ऐप से ठीक है स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे स्ट्रैटेजी फिर से मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा इसको नाम दे देता हूं एस एस शॉर्ट स्ट्राइट एग्जाम्पल ठीक है एड बटन पे क्लिक करेंगे इस बार हमें बैंक निफ्टी चाहिए तो मैं निफ्टी बैंक ट्राइप कर टाइप करूंगा यहां पे निफ्टी बैंक राइट कॉल ऑप्शन एट द मनी वीकली शॉर्ट पोट ऑप्शन भी एड कर लेते हैं पोट ऑप्शन वीकली करंट शॉर्ट ठीक है अप्लाई चेंजेस डन सो so, हमने दोनों लेग्स कॉल और पुट एट द मनी कॉल एट द मनी पुट यहां पे वीकली ऑप्शंस दोनों शॉर्ट करने के लिए यहां पे ऐड कर दिया है सेल सिलेक्ट कर लेता हूं यह स्ट्राट हम बनाने वाले हैं फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे इसमें भी मैं टेन क्वांटिटीज कर देता हूं एंट्री कंडीशन एंट्री कंडीशन बना लेते हैं हम सबसे पहले मैं सिंबल फंक्शन ट्राइप करूंगा क्यों क्योंकि हमें आर इंडिकेटर जो है वो हमें ऑप्शंस पे चेक नहीं करना है हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स पे चेक करना है तो इसमें मैं बैंक निफ्टी डाल दूंगा निफ्टी बैंक ठीक है अब जैसे जैसे मैं ये स्ट्रेटजी बनाता हूं आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसका लॉजिक क्या है ठीक है सो so, यहां पे टाइप करेंगे हम आरएसआई क्रॉसेस बिलो नंबर थर्टी ठीक है तो हम कब एंट्री ले रहे हैं जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी इंडेक्स पे आर जो है 30 के नीचे क्रॉस कर रहा है तब हम एट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन को सेल uh, कर रहे हैं अब इसका लॉजिक क्या है सो बेसिकली आर ने नीचे 30 के नीचे क्लोज किया इसका मतलब यह है कि एक बड़ा डाउनफॉल हो चुका है इंडेक्स में ठीक है एक शार्प डाउनफॉल के बाद इंप्लाइड वोलाडिलिटी जो है बढ़ जाता है यानी कि ऑप्शंस को सेल करके हम ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं अब यहां से अगर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर या फिर धीरे धीरे नीचे या फिर साइडवेज मूव करने लगता है तो उस केस में क्या होगा इंप्लाइड वोलैटिलिटी जो है गिरेगा इस कारण और थीटा डीके के कारण ऑप्शन प्रीमियम जो है वो गिरेंगे और क्योंकि हमने सेल किया है हमें बेनिफिट होगा अगर इंडेक्स बहुत ही फास्ट फॉल या फिर राइज करता है उस सिचुएशन में पोजीशन लॉस में जा सकता है एक शार्प डाउनफॉल के बाद फिर से ऐसा हो यानी कि एक शार्प डाउनफॉल के बाद फिर से एक शार्प डाउनफॉल आए उसके चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं और अगर एक बहुत ही शार्प अपमूव आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे एग्जिट कर देंगे उसके लिए हम एक एग्जिट कंडीशन यहां पर डालने वाले हैं ठीक है सो so, एग्जिट में एक इंडिकेटर बेस्ड एग्जिट डालेंगे अगेन मैं सिंबल फंक्शन डाल लेता हूं सो so, बेसिकली अगर मैंने सिंबल के बिना आप देखेंगे कि आप सिंबल फंक्शन के बिना भी आर एस आई यहां पर डाल सकते हैं ठीक है लेकिन उससे क्या होगा कि आपका जो इंडिकेटर है आर एस आई इंडिकेटर वो अब इंडेक्स पे ना चेक होकर ये जो एट द मनी कॉल एंड पुट है उस पर चेक होगा बट हम तो इंडेक्स पे चेक करना चाहते हैं इसीलिए एग्जिट में हम फिर से सिंबल फंक्शन डालेंगे निफ्टी बैंक रएसआई क्रॉसेज अब नंबर सेवेंटी यानी कि अगर एक शार्प अपमूव आ रहा है स्टॉक में आर एस आई सेवेंटी के ऊपर मूव किया मान मतलब बहुत ही शार्प अपमूव आ रहा है स्टॉक में ठीक है तो उस टाइम पे हम इस पोजीशन को दोनों पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे या फिर अगर ये नहीं होता है तो हम इसे मार्केट uh, क्लोज होने तक इसे होल्ड करने वाले हैं यहां पे मैं अगेन स्ट्रैटजी साइकिल यानी कि एक ही ट्रेड लेना चाहते हैं दिन में तो वन कर दूंगा यहां ऑल राइट right, और एम आई एस ठीक है बाकी सारी चीजें जो है वो यहां पे सही है सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे हम अब फाइनली हम इस स्ट्रैटजी को बैक टेस्ट करने के लिए रेडी हैं बट यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट हमें डाल देना चाहिए एक पॉइंट्स यहाँ पे मैं टी पी एस एल टाइप पॉइंट्स रख के एक बड़ा नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ बिकॉज हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट नहीं रख रहे हैं हम इस स्ट्रैटजी में हमने ऑलरेडी एक एग्जिट कंडीशन डाल दिया है अगर ये एग्जिट कंडीशन नहीं आता है तो हम थीटा डी के का बेनिफिट लेने के लिए मार्केट क्लोज तक होल्ड कर रहे हैं स्ट्रैटी को आइए इसे सेव एंड बैक टेस्ट पर क्लिक करके बैक टेस्ट कर लेते हैं बैक टेस्ट हमारा रन होने लगा है कुछ ही समय में हमें यहां पर रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा यह बैक टेस्ट जो है लास्ट थ्री मंथ्स के डेटा पे बैक uh, टेस्ट हो रहा है अगर आप चाहें तो यहां पे स्टार्ट एंड स्टॉप डेट चेंज करके पिछले मंथ या फिर उसके पहले अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं स्ट्रैटी को तो उसमें भी आप टेस्ट कर सकते हैं सो so, यहां पर रिजल्ट देखने के लिए हमें मिल चुका है 88,000 एट uh, थाउजेंड रुपीज रिटर्न थ्री मंथस में इस स्ट्रैटी में आ रहा है ठीक है अगेन आप अगर इसे पेपर ट्रेड करके चेक करना चाहते हैं यहां पे सिलेक्ट करके डिप्लॉय पे सेम प्रोसीजर रहेगा जो हमने लास्ट में देखा था so, आइए अब कुछ स्कैनर uh, एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इस स्कैनर एग्जांपल को आप चेक करना चाहते हैं तो अगेन लिंक uh, या फिर क्यू कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, इस स्कैनर के थ्रू हम उन इंडाइसिस या फिर स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं जो साइडवेज मूव कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है आइए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे आ, बनाते वक्त मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे यह कंडीशन काम करता है स्कैनर्स में जाएंगे क्रिएट कुछ नाम दे के मैं क्लिक बटन पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर दूंगा ठीक है यहां पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं मैं वन आवर टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूं स्कैन ऑन यानी कि आप किस चीज पे स्कैनिंग करना चाहते हैं निफ्टी हंड्रेड निफ्टी फिफ्टी निफ्टी फाइव हंड्रेड स्टॉक्स या फिर इंडाइसिस पे ठीक है मैं इंडाइसिस सेलेक्ट कर लेता हूं अब हम बोलिंगर बैंडविथ इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं जब भी बोलिंगर बैंडविथ इंडिकेटर आप चार्ट पे लगा के देख सकते हैं जब भी वो गिर रहा होता है तब स्टॉक क्या होता है साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा होता है तो इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं कंडीशन uh, बनाएंगे पीरियड मैक्स जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप उसी तरह से बना सकते हैं बोलिंगर बैंड्स बुलिंगर बैंड विथ ठीक है जीरो माइनस बुलिंगर बैंड विथ माइनस वन लोअर देन नंबर जीरो मैं इसमें क्या कह रहा हूं कि लास्ट टेन कैंडल्स में जो बुलिंगर बैंडविथ है लगातार फॉल हो रहा है ठीक है गिर रहा है इसका मतलब साइडवेज ट्रे, ट्रेंड जो है वो साइडवेज है वो इंडेक्स में ठीक है तो आइए हम यहां पे स्कैन एंड सेफ पे क्लिक कर लेते हैं देख लेते हैं कोई रिजल्ट आता है कि नहीं सो so, ये सारे जो इंडाइसिस हैं वो साइडवेज मूवमेंट दिखा रहे इस समय पर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ठीक है इस प्रकार से आप स्कैनिंग कर सकते हैं अगर आप अलर्ट्स पाना चाहते हैं इस स्कैनर के तो आप टेक लाइव पे क्लिक करके इस स्कैनर को लाइव भी लेके जा सकते हैं यहाँ पे आपको अलर्ट फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा सो so, सपोज मैं वन मिनट सिलेक्ट करता हूँ इसका मतलब क्या है एवरी वन मिनट मेरा जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली रन करेगा इस स्कैनर को और अगर कोई इंडेक्स आइडेंटिफाई करता है ये तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपको नोटिफिकेशन फ़ोन पे चाहिए तो आप हमारा फोन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो स्ट्रीट प्लेटफॉर्म को आप ब्राउजर में ओपन रख सकते हैं आपको नोटिफिकेशंस आपके डेस्कटॉप पे भी मिल जाएंगे सारे मैं आपको टेक लाइव करके एक बार दिखा भी देता हूँ सो so, मेरा जो स्कैनर है अब लाइव हो चुका है और ये मुझे अलर्ट्स भेजता रहेगा हर एक मिनट पर स्कैनिंग ऑटोमेटिकली चलेगी सेकेंड स्कैनर एग्जाम्पल देख लेते हैं वो भी बहुत ही ईजी है सो so, शार्प इंक्रीज इन विक्स इंडेक्स यानी कि विक्स इंडेक्स जो कि इंप्लाइड वालेटिलिटी दिखाता है हमें उसमें एक शार्प अगर इंक्रीज आता है तो उसका हम अलर्ट्स कैसे पा सकते हैं उसे हम कैसे स्कैन कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं ठीक है अगेन स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे स्कैनर्स में जाके क्रिएट पे क्लिक करूंगा क्रिएट पर क्लिक करके टाइम फ्रेम मैं डेली रख लेता हूं ओके okay? यहां पे मैंने विक्स का बास्केट बना के रखा हुआ है विक्स इंडेक्स ठीक है इस बास्केट में मैंने सिर्फ विक्स इंडेक्स रखा हुआ है मुझे सिर्फ विक्स पे आ, स्कैनिंग करनी है मुझे सारे इंडेक्स पे नहीं करनी है इसीलिए मैंने अपना कस्टम बास्केट बनाया और उस बास्केट को मैंने सिलेक्ट किया अब ये कस्टम बास्केट कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा आ, यहां पे मैं टाइप करूंगा क्लोज यानी कि विक्स इंडेक्स का अभी जो प्राइस है या फिर वैल्यू है सॉरी नॉट प्राइस बट वैल्यू अप फाइव परसेंट ले लेते हैं अगर आज फाइव परसेंट इंक्रीज हुआ है विक्स इंडेक्स तो मुझे अलर्ट चाहिए इसका मतलब यह है यहां पे सिंपली क्लोज माइनस वन पिछले दिन के क्लोज से अभी जो है विक्स इंडेक्स पांच परसेंट बढ़ चुका है इसका मतलब ये है ठीक है सो so, आइए स्कैन पे क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं सो so, ऐसा नहीं हुआ है अब मैं टेक लाइव पे क्लिक करके इसको लाइव कर दूंगा ताकि मुझे अलर्ट मिलता रहे फिफ्टीन मिनट 5 मिनट जब भी जितने भी इंटरवल पे आप ऑटो स्कैनिंग चाहते हैं उतना करके आप लाइव पे क्लिक कर सकते हैं

इंडिया विक्स जो इंडेक्स है उसको ऐड कर सकता हूं। अगर आप दूसरे इंडेक्स को भी जस्ट uh, एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूं, ऐड करना चाहते हैं या फिर स्टॉक्स को या फिर फ्यूचर्स uh, ऑप्शंस कुछ भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ मेरा कस्टम लिस्ट बन के तैयार हो चुका है इन स्टॉक्स को आप यहां पर भी आके ट्रैक uh, कर सकते हैं टेक्निकल्स में सो थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल ट्रेडिंग शॉर्ट स्ट्राइवल शॉर्ट स्ट्राइल स्ट्रैटजी को ट्रेड uh, करने समय करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये स्ट्रैटेजी जो है वो हाईली वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उन पर ट्रेड नहीं करना चाहिए बिकॉज उनमें कभी भी एक शार्प मूवमेंट हो सकती है जो कि हम नहीं चाहते हैं इस स्ट्रैटजी में हो ठीक है Uh, ये स्ट्रैटेजी जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए जब इम्प्लाइड वैलाडिलिटी जो है बहुत ही कम है ठीक है बहुत ही कम होगा इंप्लाइड वैलाडिलिटी तो जो आप प्रीमियम कलेक्ट करेंगे वो भी बहुत ही कम होगा uh, कैसे पता चलेगा इम्प्लाइड वैलाटिलिटी कम है उसके लिए आप हिस्टोरिकल विक्स की वैल्यू रिफर कर सकते हैं और उससे कंपेयर कर सकते हैं कि आज विक्स का वैल्यू कितना है ठीक है द स्ट्रैटी शुड बी अवॉइडेड ऑफ़ एनी अनाउंसमेंट ठीक है कोई भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है यानी कि फेड की मीटिंग है जैसे कि या फिर आर बी आई की पॉलिसी मीटिंग है ठीक है उस टाइम पे यह स्ट्रेटजी को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज एक शार्प मूव आ सकता है अप या डाउन कोई भी तरफ जिससे हमें लॉसेस हो सकते हैं इस स्ट्रेटजी पर हम चाहते हैं कि मार्केट जो है साइडवेज मूव करता रहे ठीक है और रिसर्च के आ, आधार पर मार्केट जो है 60 टू 70 परसेंट सेवेंटी परसेंट से, से ज्यादा ही लगभग साइडवेज ही मूव करता है क्वेश्चन ऑफ द डे अगर आपने इस वेबिनार को अच्छे से देखा है तो आप इसका जरूर आंसर कर पाएंगे प्लीज मुझे कमेंट में अपने आंसर्स लिख के जरूर बताइएगा इज इट प्रेफरेबल टू एग्जीक्यूट अ शॉर्ट स्ट्रैडल व्हेन द आईवी इज हाई और लो यानी कि आईवी अगर हाई या फिर लो दोनों में से क्या होना चाहिए जब हम शॉर्ट स्ट्रैडल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये मुझे आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है शॉर्ट स्ट्रैडल के लिए और जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब होने के बाद नहीं पूछ रहा हूं जब आप मैं स्ट्रेटजी लगा रहा हूं उस टाइम पे आईवी जो है हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए किस में बेनिफिट होगा कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं उनको कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है क्योंकि सारे पोजिशन जो है सेम डे पे क्लोज कर दिए जाते हैं शॉर्ट uh, स्ट्रैडल जो है बहुत ही सिंपल है एग्जीक्यूशन में सिंपली एट द मनी कॉल और पुट को हम सेल करते हैं इस स्ट्रैटजी में अप्रोक्सीमेट मार्जिन रिक्वायरमेंट भी मैं आपको बता देता हूं निफ्टी पे अराउंड वन लाख रुपीज होता है uh, एक लॉट के लिए और बैंक निफ्टी पे अराउंड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है शॉर्ट स्ट्रैडल जो है पोजिशन जो है आपका uh, पैसा बनाता है जब टाइम uh, पास होता है या फिर वैलाटिलिटी इंप्लाइड वालेटिलिटी जो है वो कम होता है तब ठीक है स्ट्रैटेजीज जो हैं आप डेवलप कर सकते हैं बैकटेस्ट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था आप अलग अलग स्टॉपलॉस लेवल्स या फिर अलग अलग एंट्री टाइम्स या फिर अलग अलग आर एस आई वैल्यूज़ पे स्ट्रैटेजी uh, बना के उसको चेक कर सकते हैं कि आप उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं कि नहीं आप इन स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं और लाइव मार्केट में परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कोई भी रियल कैपिटल का रिस्क लिए बिना और अगर जब आप संतुष्ट हो जाएं तो उसे लाइव भी डिप्लॉय कर सकते हैं स्ट्रीट प्लेटफॉर्म के ऊपर सो थैंक यू एवरी वन इट्स अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू विद आज टूअर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए अगर आपके कोई भी सुझाव है या फिर प्रश्न है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए या फिर हमारे ई मेल आई डी सपोर्ट एट द रेट श्री डॉट डेक पर भी आप लिख के बता सकते हैं अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारे सोशल मीडिया सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप आ, कोई टॉपिक्स सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे कि मैं उन टॉपिक्स या फिर स्ट्रैटजीज या फिर आ, कोई भी चीज़ पे आ, अगले वेबिनार्स करूँ तो आप मुझे प्लीज़ लिख के बताइए कमेंट में मैं आपकी सहायता करने की ज़रूर प्रयास करूँगा ठीक है अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन भी मिल जाएगा आप वहाँ पर अपना नंबर प्रोवाइड करके आ, एक पर्सनलाइज डेमो भी बुक कर सकते हैं थैंक यू एवरीवन इस वेबिनार को यहीं समाप्त करेंगे हम मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट टाइम बाय टेक केयर